Welcome back to all class 11 students. We are in chapter uniform circular motion, and in previous class we have studied about the uniform circular motion, angular displacement, angular velocity, centripetal acceleration, then we have formula for the centripetal acceleration, its derivation, then centripetal force, some examples of centripetal force. All these things are already we have studied in the previous lecture. In this lecture, we are in the second application or example of centripetal force. We have already studied the first example of based on centripetal force, which is the a bicycle leans on a road when it on the turn. जब वो टर्न पर होता है तो अपने आप को कुछ बेंड कर लेता है, झुका लेता है. उसको हम लोगों ने देखा था, उसके लिए उसकी स्पीड कितनी मैक्सिमम हो सकती है वो हम लोगों ने डिस्कस करा था. राइट नाउ वी आर इन द अनदर एप्लीकेशन विच इज द मोशन ऑफ फोर व्हीलर ऑन अ फ्लैट कर्व्ड रोड. एक फ्लैट कर्व्ड रोड है, वहां पर कोई कार है, कोई फोर व्हीलर है, वो अगर उसको हमको क्या करना है, उसको बिना स्किड करे मोड़ना है, तो हमारे पास कुछ स्पीड लिमिट होगी, वो कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. दैट मींस हम लोगों ने फोर्स लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें कवर करी हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अभी समझा है, तो हम इसके बेसिस पे उसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए मैंने क्या करा है, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके का कोई कर्व रोड है, एक मैंने यहाँ पर कार बनाई है. मैन ड्रॉइंग इज नॉट सो गुड, फिर भी बनाया है कार. एंड कार में आप देख रहे हैं कार का जो मान लेते हैं जो ग्रेविटी पॉइंट होता है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहते हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि वेट एनर्जी डाउनवर्ड लग रहा है. दो टायर है यहाँ रोड पे टच करेंगे, उसके परपेंडिकुलर दो रिएक्शन फोर्स हो जाएंगे. मान लेते हैं इस कर्व्ड रोड का जो कर्व रोड आपको दिख रहा है, इसका सेंटर यहाँ पर है, यानी कि जब ये गाड़ी मोड़ पर होगी तो जो सेंटीमीटर फोर्स है यानी कि mv² / r है, वो सेंटर की तरफ लगेगा. ऑल्सो यहाँ पर आपको मालूम है जो गाड़ी होती है आपकी जो है उसके जो व्हील्स होते हैं उसके इनर व्हील और आउटर व्हील दोनों चीज़ें होती हैं. तो मान लेते हैं इनर व्हील है, उसका फ्रिक्शन फोर्स F1 मान लीजिए, आउटर का फ्रिक्शन फोर्स F2 मान लीजिए. तो ये F1 और F2 जो है फ्रिक्शन फोर्स हो गए इट वॉट द सेंटर ऑफ द रोड काम कर रहे हैं. क्लियर हो गए बात. मान लेते हैं इसकी जो ग्राउंड से हाइट है कार की वो स्मॉल h है. सो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियस भी समझ लीजिए स्मॉल r मान लीजिए रेडियस ऑफ द पाथ. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसको करना है तो y इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स. ओके फ्रॉम फिगर, ठीक है. ओके आप देखिए, आपको मालूम है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है किसको, सेंटीमीटर फोर्स mv² / r, ठीक है. और जो वेट है उनको कौन बैलेंस कर रहा है, mg. इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी r1 + r2, दोनों का हम रिएक्शन फोर्स ले लें तो किसके बराबर हो जाएगा, वेट के बराबर. यहाँ पर आ जाएगा इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, सॉरी इसको 1 करना है और इसको 2 मान लीजिए. So, equation 1 may be written as, yes, so there are more questions coming in, thank you so much for taking me. So there was one, so there was a point. So, equation 1 may be written as, since we have F1 equal to mu R1 and F2 equal to mu R2, therefore हम लोग जो है F1 की जगह ऊपर equation 1 में mu R1 रखते हैं, mu R2 रखते हैं और mv² / r रख दें तो u कॉमन हो गया r1 + r2, ये mv² / r आ गया
अब देखिए आर वन प्लस आर टू के लिए इक्वेशन को से एम जी रख सकते हैं, यू एम यू एम जी म्यू आर क्वार्टर छोटे स्टूडेंट्स बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी। एक फोन आने की वजह से बीच में डिस्टर्ब हुआ। पर टर्न्स वेलोसिटी, अगर हमें टर्न करना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी शुड बी वी मैक्स जो है आपका अंडर म्यू आर जी के बराबर होना चाहिए। ठीक, बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी तो वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी हो जाएगा। जो कंडीशन है कंडीशन के मुताबिक या तो वेलोसिटी म्यू आर जी के बराबर हो कार की और या तो फिर म्यू आर जी से कम हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कार स्किड करेगी और एक्सीडेंट होने की भी पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देन फिर हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन चलते हैं। सो The roads are and railway tracks are banked at the turn. ठीक है, तो रोड और रेलवे ट्रैक को टर्न पर बैंक कर दिया जाता है, यानी कि मोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा झुका दिया जाता है। बहुत कॉमन चीज़ है, आपने हाईवेज में जब सफ़र करा होगा तो आपने महसूस करा होगा, जो हाईवेज होते हैं तो जहाँ पे टर्न आते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं रोड जो है, जैसे अगर फ्लैट रोड है तो हल्का सा कर्व होता है, कर्व का मतलब कर्व पर जहाँ मोड़ है वहाँ पर हल्का सा इंक्लाइनेशन होता है। तो ये थीटा डिग्री पे आप रोड को इंक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी है यार, बड़ी गाड़ी की बात करेंगे, ट्रक की आप बात करिए, बड़ी गाड़ियों की बात करें, कारों की बात करें, तो आप उनको एक तरफ झुका नहीं सकते जिससे कि एक सफिशियंट एंगल मिल पाए और एक जो है एक फिक्स वेलोसिटी से गाड़ियाँ वहाँ पर बाहर कर पाए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग रोड को ही थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इंक्लाइनेशन कर देते हैं। मान लेते हैं थीटा डिग्री पर इंक्लाइनेशन है, कोई कार आ रही है, आपको मालूम है कि वेट नीचे लगता है, और अगर हम लोग बात करेंगे रिएक्शन फोर्स की बात करें तो रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो आ रहे हैं फिर यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है भाई, यहाँ पर भी एंगल थीटा निकल आएगा, बताने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना होगा तो निकाल भी सकते हैं। ये थीटा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। ठीक, तो जब ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला इसका कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये कंपोनेंट आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो है वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन 90 माइनस थीटा, तो आर कॉस थीटा और आर कॉस 90 माइनस थीटा आर साइन थीटा हो जाएगा। अब ये आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए कि फ्रॉम फिगर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आर कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एम जी के बराबर, और आर साइन थीटा की एम स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एम स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन वन मानिए, इसको टू मानिए, इक्वेशन टू डिवाइडेड बाई वन कर दीजिए, तो आर साइन कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा ठीक, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कितने एंगल पे झुकाना है वो पता करने के लिए यहाँ पर ये फार्मूला है। और हमें मान लेते हैं कि क्या जो रेडियस होगी रोड की, रेडियस, ग्रेविटी और कितनी स्पीड मैक्सिमम हम रखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग थीटा को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अगर हमें मान लेते हैं कि 50 जो है किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमको मोड़ना है और रेडियस इसके लिए हम फिक्स कर लेंगे, मान लेते हैं रेडियस जो है हमारी जो है एग्जाम्पल के लिए 100 मीटर की रेडियस है हमारी, जी की वैल्यू 10 है। अगर टेन थीटा आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट सॉरी
टेन थीटा वी स्क्वायर है। अब इसको आप जो है मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 52 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, और पर जो है पर आवर का मतलब 3600। कट गया यहाँ पर आप देखिए तो ये 5/18 वैसे भी आपको याद होगा, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये आ गया 250 अपॉन कितना हो गया 50। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए तो बी स्क्वायर का मतलब 250 × 250 / 18 × 80, ठीक है। आर जी, आर का मतलब 100 हमने कहा रख दो, और जी का मतलब 10, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया है ना। तो आप देखिए 625 आ गया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप जो है, अगर इसको हम 5 से काटे तो 5 है ना, और 5 और 2 है ना, 5 से काटो कैलकुलेटर ये आगे, तो ये आपका आ जाएगा मेरे ख्याल से 125 हो जाएगा। और अगर आप देखिए 18 × 36 × 18 करा लीजिए, ठीक, आप 6 × 121 / 648 आ गया। अब इसको आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो यहाँ पर एंगल आएगा उतने एंगल के पे हमको रोड बेंड करनी पड़ेगी, तब ये जो 50 km/h 100 m रेडियस वाली रोड में गाड़ी वहाँ से कार पार कर पाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, आप देखिए कि जो रियलिस्टिक तरीके से हम अपनी लाइफ में जो भी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं आप यहाँ से उसको समझ सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, इसको पॉज करके वीडियो आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं उसको करने के पहले बहुत बेहतरीन सा डिमोन्स्ट्रेशन आपके सामने मैं करूँगा। अगर आप इसमें ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको इसमें कुछ मार्बल्स की बॉल दिख रही हैं यहाँ पर, ये देखिए, आप इनको जो है मार्बल बॉल बोल लीजिए या ग्लास बॉल बोल लीजिए। मेरे पास एक जो है हैंड ड्रिल है, और आपको मेरे को ये बताना है कि इस हैंड ड्रिल को मैं अगर चलाऊंगा तो क्या होने वाला है, आप बता सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये सारे कंचे इधर उधर बाहर चले जाएंगे, आप ये सकते हैं कि ये रैंडम मोशन करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कमाल सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे, आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। इसका शेप तो आप हालांकि रेक्टेंगुलर भी देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसको मोशन जो मिलेगा वो सर्कुलर मिलेगा। कैसे अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस एंड मर्क्यूरी जैसे प्लैनेट अपनी ही ऑर्बिट में रहते हुए हमेशा सूर्य के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। यू नो वेरी वेल ये सब कुछ पॉसिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कहाँ से मिलता है, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। सिमिलरली यहाँ पर जो मैं दिखाने वाला हूँ कि आप इनको छोटे से प्लैनेट्स मान लीजिए, और ये जो है अभी क्या है, ये जो प्लैनेट्स आप देख रहे हैं अभी तो कोई मोशन नहीं हो रही है इनको। जहाँ मैं इनको एक सेंट्रीपिटल फोर्स दूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देने के लिए ड्रिल मशीन का मैंने इस्तेमाल करा है, आप देखिएगा कि इन मार्बल्स का क्या होने वाला है। सो कीप योर आइज ऑन दिस। अब मैं जब रोकूंगा तब आप देखिएगा, ये देखिए आपको जो मार्बल बॉल है वो कॉर्नर में देखने के लिए मिली हुई है, जैसे मोशन करा था। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आया होगा कि ये अभी जस्ट क्या होगा, कि ये जब हम घुमाएंगे तो हो सकता है मार्बल बाहर चली जाए, लेकिन नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये जो है, आप अभी भी देख लीजिए आप, ये मैं इसको केवल अपने हाथ से रोटेट कर रहा हूँ और ये देखिए कॉर्नर्स पे बॉल जाके चली गई। ये कमाल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि वो उसको एक उस सर्कुलर पाथ के एंड पे बना के रखता है। आप इसको फिर से देखिए, मैं इसका रैंडम मोशन है चल रहा है, आप ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए घूम रहा है, और ये देखिए कॉर्नर पे आपको देखने को मिला। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है आपको भी देखने का मिला। चलिए आगे मैं इस पर एक्टिविटी दूसरी दिखाता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, एक तो अभी आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल देखा, अब मैं आपको दूसरा दिखाने वाला हूँ जो सामने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पहले जानना जरूरी है व्हाट इज द स्यूडो फोर्स। कई मौकों पर, कई अवसरों पर हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड हो रहा है,
बट एक्चुअल में वहां पर कोई फोर्स नहीं होता। ऐसे ही जो जिस फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में कुछ एग्जिस्टेंस उसका नहीं, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। एंड व्हाट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमको वही देखना है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ नहीं, एक वायर का जो खाली रोलर है वो लिया हुआ है, मेरे पास एक हैंड ड्रिल है, और देन इसके बाद अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पर एक जो सिरिंज है, तो सिरिंज का जिससे आप खींचते हैं सिरिंज में जो भी आपका दवाई होता है, तो वो मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है। देन इसके अलावा कुछ आइसक्रीम के स्ट्रॉस मैंने फिट करी है। मैं इनको दो पर्सन्स की तरह मान रहा हूँ। क्या करूँगा भी, जब मैं इसको घुमाऊँगा तो घूमेगा तो मुझे क्या देखेगा कि जो ये वाला हिस्सा है जो प्लास्टिक का, ये आपका है, ये मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, साथ में ये भी मूवमेंट कर रहा है, बट इसके लिए इसका कोई मोशन नहीं है, या इसके लिए इसका कोई मोशन नहीं है। यानी कि अगर मैं सिरिंज की बात करूं तो सिरिंज के लिए जो आइसक्रीम की जो ये आप डंडियां देख रहे हैं इसका कुछ मोशन नहीं हो रहा है, और आइसक्रीम की डंडियों के लिए, यानी कि अगर इसको मैं एक वन पर्सन ए मानूं, इसको पर्सन बी मानूं, तो पर्सन ए के लिए पर्सन बी का मोशन नहीं हो रहा, पर्सन बी के लिए पर्सन ए का मोशन नहीं हो रहा, बट मेरे लिए दोनों का मोशन हो रहा है। यानी कि पर्सन ए सोच रहा है पर्सन बी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और पर्सन बी सोच रहा है पर्सन ए पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है देखने से कि इन पर फोर्स लग रहा है। कैसे, आप देखिए इसको, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहां पर इसका आप मोशन देख रहे होंगे। मेरे हिसाब से इस पर आप सेंट्रिपिटल फोर्स से लग रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, एक्सिस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। बट एक दूसरे के लिए यहां पर अगर ये जो हमें ए और बी की बात करें, तो दोनों के लिए यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसको ही बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जांपल के लिए जैसे हम लोग भी अगर अपनी बात करते हैं कि वी आर ऑन द अर्थ, तो हमारे लिए एग्जांपल के लिए कि अर्थ पे जो भी लोग सामने मेरे बैठे हुए हैं वो सब रस्ट में बैठे हुए, देर इज नो एनीथिंग अबाउट द मोशन, यहाँ पर मोशन का कोई मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सामने वाला बंदा भी बैठा है, मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, बातचीत हो रही है सब कुछ। लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ के बाहर से ऑब्जर्वेशन करेगा उसके लिए क्या होगा कि मैं लगातार क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लगातार मैं फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, और सन इसके अलावा सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा हूँ, तो ये बाहर वाला एक्सपीरियंस करेगा। तो अब यहाँ पर मेरे को कोई फोर्स नहीं लग रहा है अभी फिलहाल, लेकिन जो बाहर वाला ऑब्जर्व कर रहा है उसके हिसाब से मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, यही तरीके से स्यूडो फोर्स होता है। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एक और बात करें तो अभी जस्ट क्या है कि एक एग्जांपल के लिए ये जो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, इनमें अभी मैं क्या करूं कि जो है एक पिन को जो है एक पिन हमने क्या कर रहा है यहाँ पर अभी लगा दिया उसको, उसके अबाउट उस पिन में लगाने के बाद मैंने कुछ चीज बांध के वहीं पर रख दिया, तो वो लगातार क्या कर रही है कि जो वो चीज़ घूमती रहेगी, पिन से बंधी हुई चीज अपने सरफेस पे बनी हुई है वो भी घूम रही है, लेकिन वो जो धागा जिससे वो बंधा हुआ है वो धागा अगर टूट जाए तो आप महसूस करेंगे कि वो जो चीज़ जो बंधी हुई थी वो इंडिपेंडेंट होकर वो दूर क्या हो जाएगा, भाग जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लगातार कोई फोर्स उसको बाहर की तरफ खींच रहा था। हमको तो यही लगेगा ना कि जो चीज़ रोटेट कर रही थी, अब रोटेट करने से जहाँ धागा टूटा उसको बाहर किसी ने खींच ही दिया, लेकिन एक्चुअल में आप भी जानते हैं क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था, जो चीज़ बंधी हुई रखी हुई थी उसको, वो सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट खत्म हो गया, तो वो अपने टेंडेंसी के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन में चला गया। बट हमें ऑब्जर्वेशन कैसा मिलेगा कि जो है वो जो ऑब्जेक्ट था उसको किसी ने बाहर खींच लिया, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसके लिए बहुत अच्छा है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है, और जनरली आप देखिए सेपरेटा दूध जो बनाया जाता है उससे क्रीम निकाली जाती है, तो वो सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। इवन आपके घर में जो ब्लेंडर होता है उस ब्लेंडर से हम लोग मक्खन निकाल लेते हैं और मट्ठा अलग हो जाता है, तो ऑल दीज काइंड्स और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही बेस्ड हैं। तो स्यूडो फोर्स की बात बता रही, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन आप ऑटोमेटिक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बस उसका जस्ट एक अपोजिट फोर्स ही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उतना ही मैग्नीट्यूड होता है, एम स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। और इसके कारण बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है, जैसे कि अगर मैं क्या करूं कि एक बाल्टी में पानी भर दूं और पानी में भरने के बाद उसको तेज़ी से मैं जो है घुमाना शुरू करूं, तो वो टॉप में बाल्टी एकदम उल्टी भी हो जाती है तब भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। वो क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जितना एम स्क्वायर बाई आर लग रहा है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है, और वो पानी को वहाँ पर रोक के रखती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन आपको अपने कोई भी बुक उठाएंगे आप उसको देख के लिख लेना। स्यूडो फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट को समझना, वो मैंने दोनों चीज़ें बताई। अब मैं इसके आगे का जो है पार्ट की बात करने वाला हूँ।
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो अगर हम चाहते हैं कि वर्टिकल सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे तो उसके लिए कुछ कंडीशन होना जरूरी है। मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, ये देखिए एक वर्टिकल मोशन में करा रहा हूँ, एक बहुत थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट है, थर्मस है, पर आप उसका ये वर्टिकल मोशन देख रहे होंगे, है ना। ये देखिए कितना बढ़िया वर्टिकल मोशन हो रहा है। बट ये वर्टिकल मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे और मेरे हाथ और ये जो डोरी आप देख रहे हैं जो इससे बंधी हुई है, इसके बीच में जो टेंशन फोर्स है वही इसको सेंटीपिटल फोर्स दे रहा है, जिसके कारण ये क्या हो रही है, लगातार क्या कर रही है, ये देखिए वर्टिकल सर्कल में मोशन कर रही है। जैसे ही मैं टेंशन कम करूंगा, देखिए ये बोतल क्या हो जाएगा, यानी कि अपने जो वर्टिकल पॉइंट को पार कर पाने में सक्षम नहीं है। आप फिर से एक एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए ये अभी मैं हाथ से टेंशन दे रहा हूँ, ये बॉटल घूम रही है, और इसके बाद मैं टेंशन कम करता जा रहा हूँ, ये देखिए गिर गई। यानी कि इसको नीचे वाला पॉइंट, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, उसको पार करने के लिए, फिर ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट, फिर ये वर्टिकल पॉइंट करने के लिए एक मिनिमम टेंशन और मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होगी, वो हम अभी इसको फाइंड करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इसको एक बकेट की तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये आपको एक गिलास पानी दिख रहा होगा, और मैं एक गिलास पानी जो है इसमें मैंने भर दिया। अब इसको भरने के बाद, एक गिलास पानी इसमें भरा हुआ है और मैंने कहा था ये पूरी की पूरी उल्टी हो जाएगी, लेकिन ये पानी पूरा का पूरा नहीं गिरेगा। ये देखिए आप देख रहे हैं, एक गिलास पानी इसमें पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल, आप देखेंगे ऊपर जाकर, थोड़ा सा अगर वीडियो पॉज करके या स्पीड धीमी करके देखेंगे तो पूरा का पूरा बॉटल ऊपर हो रहा है जाके, लेकिन पानी नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, तो यहाँ पर बाद में जो कह रहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात में कर रहा था, वही सारी बात है। और वापस से अगर मैं चाहूँ तो ये पानी यहाँ पर निकाल भी सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बॉटल में लीकेज है, कुछ नीचे से चिटका हुआ है, इस वजह से पानी कम हो गया, लेकिन देखिए बाय एंड लार्ज अगर पूरा उल्टा हो रहा था तो पूरा का पूरा पानी नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल आपको दिया, ये बॉटल यहाँ पर रखी मैंने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जस्ट द रिएक्शन ऑफ अ सेंट्रीपेटल फोर्स, उसका जस्ट एक अपोजिट फोर्स है, ठीक है। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स पानी को नीचे खींच रहा है, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ, ऊपर की तरफ लग रहा था, देखा पानी अपनी जगह पर बना रहा। सो नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द फार्मूलाज फॉर द मिनिमम वेलोसिटी एंड टेंशन टू मेंटेन द मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। सो बी इन टच, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।